नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल उमेश राय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीआरटी कलर टीवी रिपेयरिंग कोर्स चल रहा है, उसी में ये सारे वीडियो आ रहे हैं। सीखेंगे वीडियो एम्पलीफायर स्टेज क्या होती है, सीआरटी कलर टीवी में वीडियो एम्पलीफायर स्टेज क्या होती है। आज बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए, मैं इसकी ट्रेसिंग करा के और इसको समझा के कि इसको कैसे आप समझेंगे। जब इन विभागों को अच्छी तरह समझ लेंगे तभी आप सीआरटी कलर टीवी रिपेयरिंग का कोर्स में आप समझ पाएंगे या रिपेयरिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि वीडियो डिटेक्टर, ये देखिए वीडियो डिटेक्टर है, ये वीडियो एम्पलीफायर है, ये फर्स्ट क्रोमा एम्पलीफायर, ये सिंक सेलेक्टर, ये वर्टिकल ऑसिलेटर, ये हॉरिजेंटल ऑसिलेटर, ये हॉरिजेंटल आउटपुट है, ये वर्टिकल आउटपुट, ये EHT है, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। ये हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये कॉइल है, ये कलर पिक्चर ट्यूब है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वीडियो डिटेक्टर, तो ये दोस्तों, ये अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आसानी होगी रिपेयरिंग करने में, कोई विभाग को आपको दिक्कत नहीं रहेगी कौन सा विभाग किस में रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, वीडियो डिटेक्टर से हमें जो वीडियो डिटेक्टर की आउटपुट से प्राप्त कलर कंपोजिट वीडियो सिग्नल CCB कलर कंपोजिट वीडियो सिग्नल वीडियो एम्पलीफायर में आते हैं, ठीक है। वीडियो एम्पलीफायर द्वारा मजबूत शक्तिशाली किए जाते हैं। कलर टीवी के वीडियो एम्पलीफायर को दो भागों में बांटा जा गया है दोस्तों, ठीक है। पहला हो गया बफर एम्पलीफायर, दूसरा हो गया ल्यूमिनेंस सिग्नल एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर में दोस्तों प्राप्त संपूर्ण कलर वीडियो सिग्नल, जिसमें होते हैं क्या, ल्यूमिनियस या वाई सिग्नल यानी क्रोमोनॉन सिग्नल, हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल सिंक पल्सेज, कलर बर्स्ट एवं 4.43 mH के रेड और वाई तथा बी वाई क्रोमा सिग्नल भी होते हैं, उनको एम्पलीफाइड करते हैं। और जो बफर एम्पलीफायर सिंक सिग्नल को सिंक सेपरेटर विभाग में, क्रोमा सिग्नल को क्रोमा एम्पली में, और ल्यूमिनेंस या वाई सिग्नल को ल्यूमिनेंस एम्पलीफायर में भेजता है दोस्तों। ल्यूमिनेंस सिग्नल एम्पलीफायर केवल वाई सिग्नलों को एम्पलीफाइड करता है। इसमें प्राय एक लो पास फिल्टर का प्रयोग होता है दोस्तों, जो क्रोमा सिग्नल को अलग करता है, ठीक है। तो दोस्तों, डिटेक्टर से हमारे कलर कंपोजिट वीडियो सिग्नल देखिए यहाँ पे आए वीडियो एम्पलीफायर में, यहाँ से मजबूत और शक्तिशाली होते हुए यहाँ से हमारे देखिए दो सिग्नल निकले, एक यहाँ से हमारा फर्स्ट क्रोमा में चला गया, क्रोमा एम्पलीफायर वीडियो एम्पलीफायर से निकल के क्रोमा एम्पलीफायर, और वीडियो एम्पलीफायर से देखिए यहाँ से होते हुए दोस्तों ये इस तरह के जो ये हैं सिग्नल बने हुए आ रहे हैं। यहाँ से वीडियो एम्पलीफायर से यहाँ से दूसरा सिग्नल सिंक सेपरेटर में जाएगा, ठीक है। सिंक सेपरेटर विभाग होता है, आगे बताऊँगा। सिंक सेपरेटर से हमारे दो निकल जाएंगे सिग्नल, ठीक है। एक जाएगा हॉरिजेंटल आउट ऑसिलेटर और दूसरा देखिए ये जाएगा वर्टिकल ऑसिलेटर, ठीक है। अब यहाँ हॉरिजेंटल ऑसिलेटर से जाएगा हॉरिजेंटल आउटपुट और यहाँ वर्टिकल ऑसिलेटर से जाएगा वर्टिकल आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ वर्टिकल आउटपुट से देखिए वर्टिकल हॉरिजेंटल योक कॉइल में गया, ठीक है। अब यहाँ हॉरिजेंटल आउटपुट से बीच में यहीं से जुड़ के ये देखिए हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन योक कॉइल में ये जुड़ा, ठीक है। अब यहीं से हॉरिजेंटल आउटपुट से EHT से देखिए, EHT एक्स्ट्रा हाई ट्रांसफार्मर होता है, उसके लिए जाता है यहाँ से सिग्नल। और ये देखिए हाई वोल्टेज, EHV का मतलब होता है हाई वोल्टेज, KVA, ठीक है, जो 33,000 वोल्ट आता है उसी को EHT के द्वारा यहाँ से होता है, ठीक है। ये सर्किट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर फिर मैं आपको बता दूं, वीडियो डिटेक्टर से हमारे कंपोजिट वीडियो सिग्नल कहाँ आएंगे, वीडियो एम्पलीफायर द्वारा शक्तिशाली होंगे, वहाँ से दो सिग्नल निकलेंगे, एक निकलेगा क्रोमा एम्पलीफायर में जाएगा और दूसरा हमारा जाएगा सिंक सेपरेटर में। सिंक सेपरेटर विभाग में हमारे दो विभाग हो जाते हैं, दो विभागों में सिग्नल जाएगा, एक में जाएगा वर्टिकल ऑसिलेटर, दूसरे में जाएगा हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर। अब वर्टिकल ऑसिलेटर से जाएगा वर्टिकल आउटपुट,
हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर से जाएगा हॉरिजॉन्टल आउटपुट, और वहाँ वर्टिकल आउटपुट से देखिए वर्टिकल कॉइल में गया, और हॉरिजॉन्टल आउटपुट से ईएचटी में गया, फिर हॉरिजॉन्टल आउटपुट ईएचटी से ही हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन योग कॉइल पे गया। ठीक है, ये कलर पिक्चर ट्यूब है। ठीक है, तो ये बता दिया दोस्तों, अगर ये विभाग आप समझ लेंगे वीडियो एम्पलीफायर विभाग, तो आपको कलर टीवी सीआरटी जो होती है उसको रिपेयरिंग करने में बिल्कुल आसानी होगी। ये शॉर्ट ब्लॉक डायग्राम है, छोटे छोटे करके मैं पार्ट आपको बता रहा हूँ, ताकि शीघ्र ही आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट टू पार्ट हैं, अलग अलग इनके विभाग हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपको एक नया विभाग के बारे में बताऊँ या वीडियो दूँ, तो उसी सीरीज में ये चल रहा है, चौथा वीडियो है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को मिस ना करिएगा, ध्यान से देखिएगा सारे वीडियो, तभी आपको समझ में आएगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में आप बताइए, पूछ के मैं पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर दूंगा, आंसर दूंगा, बिल्कुल सटीक आंसर दूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी भरा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, ताकि जानकारी अपने पास ना रहे, दूसरों तक भी फैले। तो दोस्तों, चलता हूँ, फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, नए अंदाज में, नई जानकारी के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा टेक्निकल उमेश राय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।